तो ये बार बार जो ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं, इसीलिए तो लगाए जा रहे हैं, नीयत खराब है, फिनलैंड टीचर्स को भेजने नहीं देना चाहते। आज मैं ये लेके आया हूं महोदय, बीजेपी वालों के कितने एमपीज ऐसे हैं, ये पूरी लिस्ट है, जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं। इनकी कभी इनके मां बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? कितने एमपी ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? इनके कितने एमएलए ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? कभी इनके मां बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? ये बच्चे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के, बीजेपी वालों के बच्चे, जिन जिन के बच्चे अभी विदेशों में पढ़ रहे हैं। मेरे को इससे कोई एतराज नहीं है, मैं किसी की शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, जिसको भगवान ने अच्छा दिया जिंदगी में, वो अपने बच्चों को भेजे, जरूर भेजे। अच्छी से अच्छी शिक्षा सबके बच्चों को मिलनी चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि इन्होंने क्यों भेजा, मैं इसके विरोध में हूं कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा के खिलाफ क्यों हो तुम लोग? अगर हम अपने बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो तुम रोकने वाले कौन होते हो? ये एक फ्यूडल माइंडसेट है, ये कई सौ साल पुराने जो हमारे देश में फ्यूडल माइंडसेट है ना, कि गरीबों को अच्छी शिक्षा, इस जात के लोगों को, उस जात के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं, शिक्षा जो है इन ठेकेदारों की बपौती रहनी चाहिए। इसको तोड़ना है हम लोगों को। और ये एलजी साहब उसी माइंडसेट से आते हैं कि एलजी साहब के बच्चों को तो मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इस माइंडसेट को तोड़ना है अपने को, पूरे देश को तोड़ना है। आजादी मिल गई, लेकिन ये माइंडसेट अभी भी है कि गरीबों के, इस जात के, उस जात के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देंगे। ये विदेश कैसे जा सकते हैं? पढ़ो, एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम है किसी से? गरीबों के बच्चे कम है किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी, ये सबको पता है। फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर वन है, और उसमें भी जो नंबर वन यूनिवर्सिटी है उसमें भेज रहे हैं हम, पूरी दुनिया में जो नंबर वन है। हम तो भेजेंगे सर, दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है, दिल्ली के लोगों का, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे? ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। मैं कई बार सोचता था, 70 साल हो गए हमारे देश को, 75 साल हो गए हमारे देश को, इतना पिछड़ा कैसे रह गया, इतना अनपढ़ कैसे रह गया, इतना गरीब कैसे? इन लोगों ने जानबूझ के इन लोगों ने देश को गरीब रखा है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, ये तो सामने आ गया, नंगे हो गए ये लोग। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, बड़ी मजे की बात है, एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। मैं भी आपको दिखाता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई तीन चीजें हैं, एक है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इन तीनों चीजों को छोड़ के एलजी साहब के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2018 4 जुलाई 2018 को यह ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट तो देश की सर्वोच्च अदालत है, वो तो सबको माननी पड़ती है ना? इसमें से मैं पढ़ के सुनाता हूं। इतने बड़े संवैधानिक पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, मैंने कहा सर आप जो ये कह रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून है इस देश का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाइंडिंग है इस देश के ऊपर, इस देश के हर नागरिक के ऊपर। बोले नहीं, मैं
पूरे संविधान में लिखा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब शासक होता है, तो मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसके बाद में क्या कहता, फिर उन्होंने कहा कि मैंने मना थोड़ी किया है। मैंने कहा जी दो बार आपने वापस भेज दी फाइल, दो बार आपने लिखा, क्या लिखा, पहली बार लिखते हैं हम, मुझे ये बताया जाए कि क्या डीओपीटी की गाइडलाइंस का पालन किया गया, ये जिस यूनिवर्सिटी में भेज रहे हो इस यूनिवर्सिटी ने और कौन कौन से कार्यक्रम कराए, इससे क्या ऑब्जेक्टिव हासिल होगा। अरे मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने देख लिया यार सारा। मैंने एलजी साहब को बोला, मैंने कहा सर आप मेरे हेडमास्टर थोड़ी हो, इतने तो मैं स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फर्स्ट आया करता था क्लास में थ्रू आउट, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक फर्स्ट आया, यूनिवर्सिटी टॉपर था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टॉप किया था मैंने, पहले 6th पोजीशन थी मेरी। मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क कैसे चेक नहीं किया, जैसे एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेके बैठ जाते हैं, स्पेलिंग गलत है, हैंडराइटिंग खराब है, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये वैसे क्यों नहीं लिखा, मेरे मास्टरों ने ऐसे नहीं किया जैसे एलजी साहब मेरा होमवर्क चेक करते हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मेरे को चुन के भेजा है, आप कौन है? मैंने उनसे पूछा आप कौन है, ये मैंने पूछा एलजी साहब से, मैंने कहा सर आप कौन है, मेरे को तो जनता ने चुन के भेजा। कहते मेरे को प्रेसिडेंट ने भेजा। मैंने कहा वैसे ही जैसे अंग्रेज वाइसरॉय भेजते थे वैसे ही आपको प्रेसिडेंट ने, पहले बोले आपकी सरकार अच्छी नहीं चल रही, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपकी सरकार में ये। मैंने कहा सर वो वाइसरॉय जो होते थे ना वो कहते थे यू ब्लडी इंडियंस, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। मैंने कहा एलजी साहब आज आप भी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, यू ब्लडी दिल्ली वालास, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। मैंने कहा सर दिल्ली छोड़ दो, हमारे हालात पे हम अपनी दिल्ली चला लेंगे।